मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि यूके में ग्रॉसरी मतलब किराना, इंडिया में कहते हैं किराना, हम किराना लेने जा रहे हैं जो कि हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देखना चाहते हो कि कितना रेट पे क्या मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम लोगों को इंडिया में हर किसी को रेट्स बता होते हैं एकदम नॉमिनल, जिसमें एकदम अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि कितने में क्या मिलता है और किस तरह से मिलेगा, तो सी देखते हैं हम, क्योंकि मैंने ले लिया है साथ में थैली, जो कि इंडिया में बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ कैरी योर बैग्स ऐसे लिखा होता है, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करना पड़े इसलिए मैंने खुद से पहले थैली ले ली। तो अभी देखते हैं, जस्ट हम अभी पहुँचे हैं यहाँ, यही है मार्केट जहाँ पे ग्रोसरीज मिलती है। अभी आप देखोगे तो मैं ये यूटेंसिल सेक्शंस में आई हूँ यहाँ पे, जो कि किचन वेयर का जो भी यूटेंसिल्स है वो आपको देखने मिलेगा, जैसे कि इंडिया की जो नॉन स्टिक पैन होता है, तो मैं आपको एग्जैक्टली इसका रेट बता दी जो मुझे लेना था, वो मुझे एकदम नॉर्मल ब्रांड लेना है, नॉर्मल पैन जो होता है वो लेना है, जो कि ये दिख रहा है मुझे मेरे साइज़ का, जो कि इसका रेट अगर मैं देखूँ तो 26 pounds है, ठीक है। तो एक पाउंड इक्वल्स टू 100 rupees होता है इंडिया का, तो ये 26 pounds का मतलब 2600 rupees का ये पैन है, सो इट्स अच्छा है क्वालिटी से, देखते हैं और कुछ वैरायटी है या नहीं इसमें। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जो आप इंडिया में लेना चाहते हो और हम लोग लेकर आते ये चीज़ लेकर आए वो चीज़ लेकर आए, उस तरह से नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा वेराइटी दिख रहे हैं मुझे, स्पून से लेके हर चीज़ का। ये जो पिलर है ये भी दिखा मुझे, मतलब इसे कहते हैं आलू छिलनी, जो कि 2 pounds का है, मतलब 200 का, मतलब रियली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल देख रहे हो, एग बॉयलर का टोस्टर, बहुत सारी चीज़ें, और ये सबसे मेना मिनी चॉपर जो है हमारे मिक्सर ग्राइंडर के साथ, अगर ये आता है, अगर आप देखोगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर के साथ मिलता है, तो ये 14 pounds का एक सिंगल लेना है जो कि 1400 का है, ठीक है। तो आप अभी ये देख सकते हो सिर्फ 14 pounds का मिल रहा है, मतलब 1400 का, मेरे लिए तो ये बहुत कॉस्टली है, सो इससे बेस्ट है ना कि हम लोग पूरा एक मिक्सर का पूरा एक ग्राइंडर ले लें। अभी आप देखोगे मैं कोलगेट सेक्शन में खड़ी हूँ, जो कि ये नॉर्मली जो 3 pounds का है, 100 grams, मतलब 300 rupees का है ये कोलगेट, मतलब नॉर्मली आपको मिनिमम से मिनिमम 1 pound का आएगा, मतलब 100 rupees का, जो कि एकदम छोटा सा नज़र आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 75 ml है, वो सबसे छोटा है। हम आए हैं एकदम इम्पोर्टेंट सेक्शंस में, जो कि हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, मुझे लगता है आपको भी बहुत ज़रूरत पड़ता है, वो आप इंडिया में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, सो ये है मिल्क, क्योंकि बहुत अलग है इंडिया में, ये ऐसे बॉक्स में नहीं मिलता है, और इसमें जो है ये वैलिडिटी के साथ है, जो फर्स्ट स्टेप तक इसकी वैलिडिटी है, और ये है ऑलमोस्ट 1.60 pounds का, मतलब 160 rupees का इंडिया में, तो एक्चुअली ये थोड़ा कॉस्टली हो गया ना हो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है कि हम एटलीस्ट मतलब 3.5 liters है इसमें, मतलब 3.5 liters का है वो 190 rupees का है, 160 rupees का है इंडिया में, और 1.60 pounds का है, सो ये चीज़ें मुझे लगता है इंडिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो बैचलर होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, क्योंकि हम लोग दूध नहीं मंगा सकते और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। स्टार बक्स का भी कोई कलेक्शन दिख रहा है मुझे, वो भी कैफे लेते, मतलब ये कोई कॉफ़ी है लाते, मतलब दूध होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा दूध लाते का मीनिंग ये होता है। अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये जगह पे आए हैं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मतलब दही मतलब योगर्ट, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ दही, मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बट उसमें से सबसे अच्छा मुझे जो दही लगा है वो लगा है ये वाला जो दही लगा, जो फुल फैट है और ओरिजिनल योगर्ट ऐसा करके बोला है, इसमें बहुत कम फैट और मतलब बहुत सारी चीज़ें, और 1 kilo का इसका अगर मैं रेट देखूँ तो 1.45 pounds है, मतलब कि 145 rupees का 1 kilo आता है। मुझे इंडिया का रेट नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ का रेट, क्योंकि हम लोग वहाँ किलो से नहीं खरीदते, हम लोग ऑलमोस्ट 30 rupees का 50 rupees का खरीदते, हाफ लीटर ऑलमोस्ट 23 या 25 rupees का आता है, मुझे जहाँ तक आइडिया, बट आई एम नॉट श्योर,
लेकिन यहाँ का जो रेट है वो मैं परफेक्टली बता रही हूँ कि 1 किलो ये 145 रुपीज़ का है और इसका एक्सपायरी डेट के साथ, मतलब 1 किलो ये मेरा अगर देखूँगी तो ये चलेगा, हाँ 14 फेब तक ये चलेगा। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, ये क्रीमी क्रीमी लगता है और मैं रोज खाती हूँ। यहाँ मिल रहा है एग्स, हैप्पी एग्स, जिसमें यहाँ पर लिखा है हैप्पी एग्स, जो कि 250 रुपये का 15 अंडे है जो, और उसके जो पैकेट है वो कुछ इस तरह से, जो ये अंडे हैं ये 15 अंडे 250 रुपये के। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना महंगा आता हो, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा है ऐसा मुझे लग रहा है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट इतना महंगा तो नहीं है। 250 में 15 अंडे मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। चलो अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आ गए, जो कि दाल ये सब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के वजह, हम लोगों के लिए। तो अब अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली दाल का क्या रेट है। अगर मैं देखूँगी, ये मूंग दाल है, ठीक है, मूंग दाल तो मुझे नहीं लेना, बट फिर भी मैं आपको मूंग दाल का बता रही हूँ। मूंग दाल जो ये है ऑलमोस्ट 1.75 kg, और इसका जो रेट है 380 रुपीज़, मतलब 3.80 पाउंड आप देख सकते हो, 3.80 पाउंड लिखा है। और ये 380 रुपये का 1.5 किलो है, 1.75 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं देखूँ जो साबूदाने का रेट है, ये साबूदाना 0.5 किलो 150 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा, ये डबल है इसका, क्योंकि ये इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया से इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, बट ये इम्पोर्ट हो रहा है कहीं यूके का ही है ये, और ये हो रहा है 150 रुपये का, मतलब डबल है। और मैं देख रही हूँ ये कुछ तुअर दाल तो ऑब्वियसली डेली रूटीन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे भी लेना है। और इसका जो रेट आप देख रहे हो, ये भी ऑलमोस्ट 3.80 का है, और इसके भी 1.25 किलो, मतलब आप तुअर दाल देख सकते हो कि 1.25 किलो का तुअर दाल 380 रुपये का है, मतलब इट्स टू मच कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मसाले के रेट, मतलब ऑलमोस्ट 110 ग्राम्स जो मसाले होते हैं, मतलब इतने जो मसाले होते हैं, ये 10-10 ग्राम के जो मसाले हैं वो 115 रुपये का है, मतलब हर एक छोटा छोटा पैकेट जो भी दिख रहा है आपको, ये सारे स्पाइसेस हैं, मतलब सारे मसाले हैं, सबके रेट्स ऑलमोस्ट 100 से 150 पाउंड तक है, मतलब 100 से 150 रुपये तक का है। और जो आपको ये जो दिख रहा है वाइट, ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट अगर ये आप देखोगे तो ये 1.5 किलो का जो ये रवा है, ये भी कुछ 250 रुपये का दिख रहा है, मतलब 250 पाउंड का है, मतलब इट्स टू मच कॉस्टली है ये एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ऑयल के काउंटर पे ही खड़ी, उसने मैं आपको ऑयल पे दिखा रही हूँ, ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ लीटर्स है, मतलब 250 रुपये लीटर है, जो हमारा इंडिया का ऑयल है वो ये यहाँ नहीं दिखा मुझे अभी तक, ये नॉर्मल वाला वेजिटेबल ऑयल ये सब चीज़ें हैं वो चीज़ें मुझे दिख रही है, मतलब बड़े पैकेज भी है 5 लीटर्स के, और मतलब ऑलमोस्ट 250 रुपये से 200 to 250 रुपीज़ किलो मिल रहा है। और जो हम अभी आटे की तरफ आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब 150 रुपये पर किलो होता, मतलब 1.40 पाउंड पर किलो, मतलब होता है 7 किलो का होता है, 7 पाउंड का होता है 5 किलो, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ तो हमारे हिसाब से बहुत महंगा है। और लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो भी, उसमें भी बहुत दम है, कि हमारे इंडिया में 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ पे 1 पाउंड में बहुत कुछ मिल रहा है। और अभी हम आए हैं बासमती राइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बासमती राइस खाते हैं, क्योंकि वो जो राइस यहाँ पे मिलता है वो बहुत ख़राब लगता है, तो मैंने वो नहीं खाया, और हम लोग अवॉइड करते वो राइस खाने, तो हम लोग बासमती खाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 220 रुपीज़ पर किलो बासमती राइस है, मतलब 5 किलो का यहाँ पे 11 पाउंड दिख रहा है, आप देख सकते हो, ये बासमती राइस हम लोग खाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है 11 पाउंड, मतलब 11 पाउंड का 5 kgs है, और 2.20 पर kg यहाँ पर राइस मिलता है, जो कि रियली में कॉस्टली है। और एक न्यू चीज़ बता दूँ, हमारे इंडिया में पापड़ होता है, जो पापड़ होता है हम लोग जो खाते हैं स्नैक्स में, यहाँ पे वो उसे पापड़ नहीं, पापड़म्स बोला जाता है, जो कि ये 1 पाउंड में कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पापड़म्स आ रहे हैं, मतलब पापड़ आ रहे हैं, ये वाले पापड़ बहुत फेमस होते हैं, 100 रुपीज़ में 7 आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ खा लेना पड़ता है। आपको एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रही हूँ, जो कि है पानी, जल ही जीवन है हमारे लिए, तो सच में जीवन है,
जो हम पीते हैं ये 75 पेंस का है, मतलब ये 1.5 लीटर का जो आपको बॉटल दिख रहा है वो 75 रुपीस का है, जो कि हमारे लिए रियली बहुत कॉस्टली है। हम लोग 22 से 20 रुपीस लीटर पानी पीते हैं जो हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तब। उसके लिए भी अवेलेबल होता है आजकल जो टैब होता है। तो आप अगर ये देखोगे ये 4 बॉटल, मतलब इसमें भी वेराइटीज ऑफ बॉटल है, तो ये एक 2.60, मतलब 260 रुपये की 4 बॉटल्स मिल रहे हैं पानी के। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है चिप्स, जिसको वॉकर्स वॉकर्स बोला जाता है, जो 300 में 12 आते हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको 12 आते हैं, इसके 12 पैक होते हैं इसमें, यही चिप्स है और इसे यही चिप्स ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। ये 12 पैक्स जो है वो 300 रुपीज़ में आते हैं, जो कि अपने इंडिया से बहुत ही कॉस्टली है। और अंदर के जो पैकेट्स होते हैं वो 10 रुपये वाले नहीं, 5 रुपये वाले होते हैं। 70 रुपये किलो है ये शक्कर, ये जो शुगर है ये 70 रुपये किलो है, आप देख सकते हो। पर किलो ये 70 रुपीज़ है। और अगर आप देखोगे ब्राउन शुगर तो ये 3.24, मतलब 350 रुपये किलो शक्कर है, जो कि हम अभी ये खा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये वाली जो शुगर है ये लाइक 1.62 में मिल रही है, मतलब 162 रुपीस किलो, मतलब 160 रुपये किलो शक्कर जो मिल रही है वो हम अभी खा रहे हैं। ये पाव है, ये 100 रुपीस के पाव है वो, और ये है कुछ 100 रुपीस का, मतलब 99 पेंस का, मतलब 99 रुपीस का है ये। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन चीज़ें दिखाने जा रही हूँ, जो कि हमारे इंडिया में हर कोई लेना पसंद करेगा, वो मैगी। और इसका रेट है वो है 45 रुपीस, और जो हमारे इंडिया में मिलता है 12 रुपये, और ये जो मैगी है वो मिल रहा है 45 रुपीस का। अभी मैं आपको और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, मुझे लगता है विदाउट दिस की कोई बड़ा नहीं होगा, जो कि है पार्ले जी। क्योंकि ये पार्ले जी, ये पार्ले जी का ऑलमोस्ट 5 वाला पैकेट है, अगर आप ये देखोगे अच्छे से, ये 5 रुपये वाला पैकेट है, ठीक है, जो कि यहाँ मिल रहा है 40 रुपये में। मतलब ये पार्ले जी, मुझे लगता है शायद ही 95% लोग इंडिया में पार्ले जी खाकर ही बड़े हुए हैं। तो ये जो पैकेट दिख रहा है वो आपको 40 रुपये का दिख रहा है। और एक अगर क्रैक जैक देखूँगी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और ये भी ऑलमोस्ट 40 पेंस की, मतलब 40 रुपये की, अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये 10 रुपये में मिलता है, तो ये 40 रुपये में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत महंगी है, ऑब्वियसली बहुत महंगी है। और पीनट बार, मतलब ये हम, मुझे नहीं लगता 10 रुपये से ज़्यादा खरीदते होंगे, ये 50 रुपये की है यहाँ पर, रियली 50 रुपये की, 50-50 पेंस मतलब होता है 50 रुपये। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 पेंस लिखा है और यहाँ पे लिखा है 40 पेंस, मतलब ये 40 रुपये का है। अब ऑप्शन नहीं है तो हमें ऑब्वियस ले लेना, बट इट्स टू मच महंगा। पीछे देख रहे हो ये जो दिख रहा है काउंटर, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स का है, इट्स नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, इट्स हार्ड ड्रिंक्स, मतलब ये शैम्पियन, विस्की, वाइन्स, रम, रेड वाइन्स, वाइट वाइन्स, बहुत सारे वाइन्स, विस्की और ये रम, ये सारी चीज़ें और बियर। मैं पक्का इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये देखकर मुझे इस वीडियो पे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये चीज़ पता चल गई कि कम, एकदम कम से 300-400 रुपये से आप एकदम क्वालिटी वाइन, क्वालिटी विस्की, क्वालिटी और क्या कह सकते हैं, बियर, बियर तो बहुत सस्ती है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पी सकते। मेरा ग्रोसरी का एक्सपीरियंस, जो कि बोलते हैं किराना का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था और बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिली। और कह सकते हैं कि जो इंडिया में मैं सामान यूज़ करती थी वो मैं यहाँ भी यूज़ करूँगी और वही यूज़ कर पाऊँगी शायद। और आपने भी देखा क्या रेट्स वगैरह थे, क्या प्राइजेस थे, क्या डिफरेंसेस है। तो मज़ा आया आज के ग्रॉसरी शॉपिंग करने में। ये था एक्सपीरियंस, अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।